महादेव, जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स, फिर मेरी जर्नी में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उन लोगों को थैंक्स। सबसे पहले चिराग, मिस करता हूँ। नितिन सर, जो दिल्ली में मुझे टीच किया है, ट्रेन किया है, आई लव सर। और जर्नी में जितने भी मेरे साथ थे, यश, डिम्पल, एकता, सबको बहुत बहुत थैंक यू। स्टार्ट कहाँ से करूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है उतने साल से मैं पार्लर लाइन में हूँ। लेकिन हाँ, 2000 से तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में आया 2013 से। छोटे मोटा काम करता था, कई सारे सलोन में जाता था, बोलता था कि भाई मुझे काम सीखना है, काम करना है, बोलते थे अभी आपको नहीं आता ये वगैरह वगैरह। और मेरे कोई रिलेटिव भी नहीं ऐसे थे कि जो सलोन का काम करते, सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ कि हाँ, जहाँ भी मैं जाता था उन लोगों को बोलता था कि हाँ मुझे आता है, मुझे सिखाओ। तो वो बोलते थे आपको आता नहीं है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, बड़ा कोर्स जो बॉम्बे दिल्ली में होता है उधर। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ करता हूँ। जामनगर में 8 साल रहा। 2012 में मैं राजकोट में आया। राजकोट आने के बाद सबसे पहले मैं चिराग को मिला, जो बंदा है, अच्छा है और मेरा फ्रेंड भी है, सेल्स पर्सन था। उसको मैंने बोला कि भाई मेरा ड्रीम टेक्निकल एडवाइज़र तक पहुंचना है, स्टेज लेवल तक, कि जहां से मैं सेमिनार कर सकूं। तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। दो ढाई साल में बैक स्टेज वर्क कर रहा था, किसी के सामने नहीं आता था। जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस हो गया कि अब कुछ मैं स्टेज पे जा सकता हूँ, फर्स्ट ऑल मैंने बात की चिराग से, कहा तू किसी को बात कर, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसने मुझे मिलवाया नितिन सर से, और वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है स्वाथ को प्रोफेशनल, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, उसमें मैं इंटरव्यू देने गया। और गुजरात में से मैं एक बंदा लौटा था जो सिलेक्ट हुआ, और नितिन सर ने मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट किया है, प्रोफेशनल कैसे वर्क करते हैं वो सिखाया था, जो लोगों को स्टेज फोबिया रहता है वो कैसे दूर होता है वो सिखाया, हेयर साइंस तक मुझे नॉलेज है। मैं थैंक्स फिर से कहूँगा नितिन सर को, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल थे उनको भी आज मैं मिस कर रहा हूँ कि आज जो भी मैं पहुँचा हूँ सब उन लोगों के फ्रेंड वजह से। और स्ट्रगल की बात करूँ तो मेरे डैडी को भी ये काम आता था, लेकिन वो करते नहीं थे क्योंकि वो बिकॉज वो प्रोफेशनल नहीं थे और गवर्नमेंट पर्सन थे। 2012 से स्टार्ट किया राजकोट में, काफ़ी सारे ग्रुप सर्कल है, सपोर्ट है दोस्तों का भी। और दिल्ली रहा 2 साल, कंपनी में काम किया एज ए टेक्निकल एडवाइज़र साथ को प्रोफेशनल में। 1 साल काम किया इंडोला प्रोफेशनल है उसमें, 2 साल काम किया मैंने स्टाइल अरोमा थेरापी करके प्रोफेशनल, उसमें भी टेक्नीशियन का किया। और 2 साल में एज ए एक लोकल कंपनी थी उसमें भी स्वराज का टेक्नीशियन रहा हूँ। इतना सारा एक्सपीरियंस रहने के बाद मैंने सोचा बहुत ट्रैवलिंग हो गई, कुछ घर का करते हैं। फिर मेरा अपना सलोन स्टार्ट किया अभी राजकोट में, KL ब्यूटी सलोन नाम से है, शायद आप लोग जानते भी होंगे काफ़ी सारे लोग। और ये जो आप देख रहे हैं न्यू हेयर स्टाइल की है सौराष्ट्र कच्छ में, आई थिंक गुजरात में मैं फर्स्ट हूँ एज ए मेकर में, इसको बोलते हैं ड्रेड लुक। और राजकोट में मैं एक लौता बंदा हूँ ऐसा हेयर स्टाइल लेके घूम रहा हूँ। काफ़ी लोगों का रिएक्शन देख के अच्छा भी लगता है, कई लोगों का सबसे पहले तो ये पूछते ये वॉश होता है। हाँ भाई, वॉश भी होता है, कलर भी होता है, कट करवाओ, परमिनेंट करवाओ, टेम्पररी करो, सब कुछ करो, जो भी करो होता है, छोटे बाल में भी होता है, बियर्ड में भी होता है। और हाँ एक बात, गुजरात में सबसे पहले ये हेयर स्टाइल मैं ला रहा हूँ, और आप लोगों का सबका साथ चाहिए। थैंक यू, यही मेरी जर्नी है, ये मेरी स्टोरी थी। आपकी स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं, आपकी स्टोरी भी ऐसी कुछ करनी है, क्रिएटिव है आप, मतलब विद्या है, कुछ करने का जुनून है, ड्रीम है, तो ये चैनल का कॉन्टेक्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।